हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन सेज दैट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। सिंपल है, कह रहा है कि कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर जो लगातार होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से 3 से 4 से रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाले नंबर में 2 से, दूसरे वाले नंबर में 3 से और तीसरे वाले नंबर में 4 से, और उनको सम करता हूँ तो आता है 74। तो बताओ वो नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों पहले लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, कितने नंबर से बच्चों, 3 नंबर से ना, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स। आप सब सीख चुके होंगे मेरे पिछले वीडियो में देख के कि अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट्स एक्स प्लस 1, क्योंकि ये क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 2, 1 ऐड हुआ यहाँ पे, 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि पहले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज कॉल्ड 2x। दूसरे नंबर में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, दैट इज कॉल्ड x प्लस 1, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से x प्लस 2 में। जब इसको सम किया मैंने, ये नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 से, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आया था बच्चों, 74 आया था। तो मैंने यहाँ 74 लिख लिया, हो गया इजी था। इक्वेशन फॉर्म करना बहुत इजी है, बट आप समझ लोगे एक बार तो बहुत आसानी से फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई x से करोगे, 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74। हियर आपको क्या करना है, जितने भी x टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेना है, 2x, 3x, 5x, 4x, 9x, 3 और 8, 11 इज इक्वल टू 74, देयरफॉर 9x, 74 और ये हो जाएगा माइनस 11, तो आपका x इज इक्वल टू 74 में से 11 गया तो ये हो गया 3 और यहाँ पे 6 और नीचे आ गया 9, तो कितना होता है, 9, 7 जा 63। x बराबर क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया, x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। जब x बराबर 7 आ गया है तो अब क्या निकालना है, आपको नंबर्स फाइंड करने थे। तो आपके फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर x था, x इज इक्वल टू 7 है। सेकेंड नंबर आपका क्या है, x प्लस 1 है, इट्स मीन्स 7 प्लस 1 है, इट्स इक्वल टू 8, है ना। और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है बच्चों 7 प्लस 2 यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो मेरे आंसर क्या हो जाएंगे, 7, 8 एंड 9। यही वो तीन नंबर है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 3 से, 4 से और ऐड करता हूँ तो 74 आता है। तो बच्चों इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा न्यू वीडियो अपलोड होने पे। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच।